Is it live? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपसे माजरत चाहता हूँ कि नमाज ब्रेक की वजह से हमने टाइम अनाउंस कर दिया और नमाज ब्रेक की वजह से फिर हमने मुनासिब समझा, कुछ लोगों की जानिब से रिक्वेस्ट आई, सबने पढ़नी होती है, इसकी वजह से हमें जो ये जो वेबिनार है या जो लाइव सेशन है हमें इसको 6:30 बजे करना पड़ा। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जब भी हम करें, अगरचे ये टाइम पीछे आता जाएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम 6:30 पहले ना करें ताकि लोग अच्छी तरह अपने काम वगैरह से फारिग हो जाए, नमाज वगैरह से खुसूसी तौर पर फारिग हो जाए। अच्छा, नाउ लेट्स बिगिन फॉर्मली। माय नेम इज़ आसिम अमीन एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड क्वालिफिकेशन। और अरसा 18 साल पहले मैंने CA किया था और मैंने जो CA किया था वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान, अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया था। और मैंने जो CA फर्म थी वो थी KPMG, विच इज़ दी वन ऑफ द बिगेस्ट 4 फर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। और कुछ 5 साल मैंने इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस था और गुज़िश्ता 20 साल से मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस भी है चार्टर्ड अकाउंटेंसी को पढ़ाने का, बिगनर्स लेवल पे भी, इंटरमीडिएट लेवल पे भी और फाइनल के लेवल पर भी। अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग और टैक्स और ऑडिट, ये मेरी स्पेशलिटीज थी। तो आज का जो वेबिनार है उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है आप लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंसी एज अ करियर के बारे में एक्सप्लेन करना। तो लेट्स बिगिन फॉर्मली जी। जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है इसमें जो स्टूडेंट इसको करता है वो डिफरेंट फील्ड्स में जो एक्सपर्ट होता है वो फील्ड्स हैं अकाउंटिंग की, फाइनेंस की, टैक्सेशन की, कॉस्टिंग की और ऑडिटिंग की। रिपीट कर दूं, फाइनेंस, ऑडिटिंग, अकाउंट्स, टैक्सेशन, कॉस्टिंग, बिजनेस मैनेजमेंट। आमतौर पर डायरेक्टर फाइनेंस हो गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया, फाइनेंशियल कंट्रोलर हो गया, ये लोग, जनरल मैनेजर फाइनेंस हो गया, ये जो लोग होते हैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हुआ करते हैं। इसको करने का क्या तरीकेकार है, या उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि ये 5.5 साल के अरसे में होता है और कोई भी जो डिग्री प्रोग्राम है वो 4 साल का BS और 2 साल का MS वो 6 सालों में होता है। तो ये भी लगभग उतना ही टाइम लगता है, बल्कि उससे कम ही टाइम लगता है। लेकिन ऑर्डिनरी BS के मुकाबले में इसका जो पोटेंशियल है वो आप इस तरह से जज कर सकते हैं कि किसी भी डिग्री को जो तोलने के लिए जो तराजू है वो सिवाय उसकी सैलरी के कुछ नहीं हो सकता। तो बाकी BS और MS की सैलरीज तो मैं डिस्कस कर भी लेता हूँ, नॉर्मली 30-35 तक मिल जाती है, अच्छी 40 भी मिल जाती है। लेकिन जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद जो पहली सैलरी मिलती है वो 1 लाख रुपया होती है। 3-4 साल में 3-4 लाख रुपए आराम से अगर बंदे में पोटेंशियल हो तो वो ले सकता है। ऐसे भी लोग हैं जो 7-8 लाख भी लेते हैं 7-8 सालों में। और अच्छा मैं थोड़ा सा आगे बोलता हूँ, मुझे जो मेरी टेक्निकल टीम ने बताया कि शायद आपका थोड़ा वॉल्यूम कम है तो इसलिए मैं माइक के करीब हो गया हूँ। अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि पाकिस्तान में भी जॉब और अपॉर्चुनिटीज है, 100% गारंटीड जॉब है और पाकिस्तान से बाहर भी बेशुमार जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज है। और थिंग है वो मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर, जो कि आम डिग्री प्रोग्राम्स में जो हमारे बाकी जो दोस्त हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो तकरीबन कोई 10 साल के करीब, 5 साल 8 साल 10 साल के करीब मैनेजर लेवल तक पहुंचते हैं। तो ये स्टार्ट ही मैनेजर लेवल से होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इस क्वालिफिकेशन को अचीव करने का तरीकेकार क्या है। देखें, इसमें जो सबसे पहले जो है वो ये है कि चलें, थैंक यू राणा साहब, आपने मैसेज किया कि अब आवाज़ ठीक आ रही है, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर कॉमेंट। अच्छा, इसका तरीकेकार ये है कि सबसे पहले इसके 2 मरहले या 2 फेजेस हैं। जो पहला फेज है
उसमें 2 साल पे वो मुहित है और इसमें सिर्फ आपने पढ़ाई करनी होती है, आपने इसमें 13 पेपर्स पास करने होते हैं। और जो दूसरा फेज है 3.5 साल का, उसमें आपने जॉब भी करनी है और आपने पेपर्स भी पास करने हैं, 8 पेपर्स पास करने हैं, तो टोटल 21 पेपर्स हो गए। जहां तक पहले मरहले का ताल्लुक है, 13 पेपर जो हैं उनमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हर 6 माह में हम 4 पेपर भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं। रिकमेंडेड ये है कि आप जब सीए स्टार्ट करें तो पहले 4 पेपर दें 6 माह में, अगले 6 माह में 3 पेपर, उससे अगले 6 माह में भी 3 पेपर और आखिरी 6 माह में भी 3 पेपर। तो 6 माह 6 माह 6 माह 6 माह 24 महीने यानी कि 2 साल हो गए, तो 4 पेपर 3 पेपर 3 पेपर 3 पेपर टोटल 13 पेपर्स हो गए। इस तरह से आप इसको 2 साल में, जो फेज 1 है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है, आप ये इसको ऐसे अचीव कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि आप 3.5 साल की ट्रेनिंग हासिल करेंगे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जिसके लिए जो टेक्निकल वर्ड यूज होता है वो होता है आर्टिकलशिप। ये आर्टिकलशिप या जो ट्रेनिंग है ये सीए फर्म से ही हासिल की जा सकती है। सीए फर्म ऐसी फर्म होती है जिसको जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज और इदारे और बैंक्स और दूसरे मालियाती इदारे और टेक्सटाइल मिल और शुगर मिल और सीमेंट फैक्ट्रीज, इनको ऑडिट के लिए असाइनमेंट्स दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर हम एक कंपनी ले लेते हैं, नेस्ले। नेस्ले ने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म को ये कहा कि आप हमें ऑडिट कर दें, ऑडिट करके ताकि हमारे जो अकाउंट्स हैं उनके ऊपर एक स्टैम्प लग जाए कि वो ठीक है, कॉन्फर्मेशन हो जाए कि वो ठीक है। सीए फर्म ने कहा ठीक है, हम ऑडिट कर देते हैं आपको। इस ऑडिट को करने के लिए उनके डिफरेंट लेवल्स के स्टाफ होते हैं, जो जूनियर स्टाफ भी होता है, सेमी सीनियर स्टाफ भी होता है और सीनियर स्टाफ भी होता है। ये जो स्टाफ है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स होते हैं, और जो सीए मुकम्मल कर लेते हैं वो मैनेजर वगैरह होते हैं। सीए फर्म में मैनेजर होता है, सीनियर मैनेजर होता है, असिस्टेंट मैनेजर होता है, पार्टनर होता है, लेकिन जो बेसिक टीम होती है वो स्टूडेंट्स की टीम होती है। जो लोग फर्म में दाखिल हुए होते हैं वो जूनियर ट्रेनीज होते हैं, जिनको 1.5 साल हो गया है वो मिडिल लेवल के ट्रेनीज होते हैं, और जिनके 3 साल 2.5 साल 3.75 साल होते हैं वो सीनियर ट्रेनीज होते हैं। होते सारे के सारे ट्रेनीज हैं, आर्टिकल्स स्टूडेंट भी इन लोगों को बोलते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप 3.5 साल के अरसे में जब मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करेंगे इन द कैपेसिटी ऑफ अ ट्रेनी, तो आपको उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मालूम होगा। आप कभी किसी कोको कोला, पेप्सी, नेस्ले, शुगर मिल, टेक्सटाइल मिल, सीमेंट, बैंक, दूसरे मालियाती इदारे, तो आप 3.5 साल के अरसे में 15-20-25 ऑडिट भी कर सकते हैं। नॉर्मली वैसे थोड़े से कम ही होते हैं, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, ऑडिट असाइनमेंट 1 महीने से लेकर 3 महीने तक भी जाती है, 4 महीने तक भी जाती है, 15 दिन में भी खत्म हो जाती है, डिपेंड करता है कंपनी कितनी बड़ी है। तो होगा ये कि इन 3.5 साल के अरसे में जब आप मुख्तलिफ इदारों का ऑडिट करेंगे तो आपको मुख्तलिफ सेक्टर्स में समझ में आ जाएगी, मुख्तलिफ सेक्टर्स में समझ में आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये उस 3.5 साल के अरसे में, उस 3.5 साल के अरसे में आपको एक स्टाइपेंड भी मिलता है, 12-13-14-15 हज़ार ट्रांसपोर्ट वगैरह ऐड करके इतना हो जाता है। और इस दौरान जो ट्रेनिंग का जो पीरियड है, इसमें अगर एक इंडिविजुअल को जो कि स्टूडेंट की कैपेसिटी में हो, 12-14-15 हज़ार रुपये काफ़ी होते हैं कि ना उसे घर से देने पड़ते हैं ना लेने पड़ते हैं। बहरहाल ये तो हर एक का ज़ाती मामला है। आमतौर पर ये देखा गया है कि 80-90% स्टूडेंट जो है ना वो उनको घर से पैसे नहीं लेने पड़ते। इस 3.5 साल के अरसे में, इस 3.5 साल के अरसे में जो है आपने 8 पेपर भी पास करने होते हैं। जब आप 8 पेपर पास कर लेते हैं, जब आप 8 पेपर पास कर लेते हैं तो आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाते हैं। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद जो है आप फिर जॉब मार्केट में एंटर हो सकते हैं। हमारे एक दोस्त हैं जी जो ये गिला कर रहे हैं कि मेरे एक साथी को, महर अजीम साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी मेरे एक साथी को 45,000 की जॉब मिली थी 3.5 साल की ट्रेनिंग के बाद। देखें, मैं किसी की इंडिविजुअल के बारे में तो नहीं बात कर सकता, मैं पहली बात तो बात कर रहा हूँ जो जनरली जो लोग जिस सैलरी पैकेज के ऊपर जाते हैं। EY इज वन ऑफ द बिग 4 फर्म्स। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव कि EY से
क्वालिफाई करने के बाद किसी को 45,000 मिले हो, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू बिलीव। अगर हो सकता है, मुझे नहीं पता वो क्वालिफाइड हैं नहीं क्वालिफाइड हैं। कई दफ़ा लोगों के पर्सनल मामलात भी होते हैं कि वो किसी ख़ास वजह से लेस देन नॉर्मल सैलरी पे काम कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। ठीक, देखें एक चीज़ मैं इस हवाले से ही जो है ना अजीम साहब को ये बताना चाहूँगा कि देखें जॉब हासिल करने के लिए ना जो डिग्री होती है ना वो तो एक चीज़ है, उसके बगैर तो आपको एंटरटेन ही कोई नहीं करेगा। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी होती हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होती हैं, आपके उठने बैठने ड्रेसअप करने का बातचीत करने का अंदाज भी होता है। अब मैं इस सिलसिले में नहीं कह सकता कि क्या वजह है, बट नॉर्मली जो ये अपने दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं ऐसे होता नहीं। ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे भाई मैं बीइंग प्रोफेशनल आपको क्यों गलत गाइड करूँगा, मैं आपको क्यों गलत गाइड करूँगा। इसका सबसे एक तरीका, अच्छा तरीका ये है कि आप आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आप गूगल पे जाकर जॉब मार्केट पर सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा कितने तजर्बे का हामिल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके लिए एक सैलरी रेंज क्या बनती है, आप चेक कर लीजिए आपको पता चल जाएगा। बहरहाल मेहर साहब मैं इस बारे में कोई कमेंट इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। खैर, तो मैंने आपसे कहा 2 साल की पढ़ाई है, 3.5 साल की ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग में आप काम भी सीखेंगे, उस दौरान आप 8 हद पर्चे भी पास करेंगे, आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, वजीफा भी मिलेगा, और उसके बाद आप जॉब मार्केट में एंटर होंगे। जॉब मार्केट में एंटर होंगे तो पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पाकिस्तान के बाहर भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दिया है, ठीक है, आप इसको नेट से चेक कर सकते हैं। और किसी एक शख्स के उस पर कॉमेंट के ऊपर मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप उस पर रिलाई ना करें, आप अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च करें। खैर, अच्छा जी, अब अगला सवाल ये है, अगला जो पॉइंट ये है कि हमारे कुछ दोस्तों का ये ख्याल होता है कि सीए वाले पास नहीं करते हैं। देखें मेरा इसे बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का डिसएग्रीमेंट है। मैं इसके जवाब में कुछ 2-3 बातें जो कहना चाहूँगा वो ये है कि पहली बात ये कि इसमें पास होने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए हैं हर पेपर में। इसका मतलब ये है कि अगर आप आधा पेपर गलत भी कर देंगे आप फिर भी पास हो जाएंगे। ठीक है, आधा पेपर का मतलब 100 में से आपने 50 नंबर का ठीक किया, 50 नंबर का गलत किया, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, जबकि जो बाकी, अगर इसके बरक्स मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, अगर आप मेडिकल या इंजीनियरिंग प्रोफेशन की बात करें तो 1100 में से 1000 नंबर वाला जो स्टूडेंट है वो एम कैट और ई कैट का एग्जाम देता है। 10-15 के बदले 20 वाले कम भी दे देते हैं, लेकिन नॉर्मली देखा यह गया है कि 1000 नंबर वाला जो है वो एम कैट ई कैट का एग्जाम अगर पास करे तो उसका मेडिकल इंजीनियरिंग में दाखिला होता है। 1100 में से 1000 नंबर का मतलब है 91%। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ 9 मार्क्स लूज कर सकते हैं, 100 में से 9 मार्क्स लूज कर सकते हैं, जबकि यहाँ मैं आपको कह रहा हूँ 50 लूज कर सकते हैं। उसके बाद एम कैट ई कैट में फिर से कोई 78 या 80 नंबर लेने होते हैं 100 में से फीसद, इसका मतलब वहाँ 20-22 से ज़्यादा लूज नहीं कर सकते। तो भाई सी ए में तो हम 50% लूज कर सकते हैं। देखिए मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ, इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ आपको एक बात ये कह रहा हूँ कि जो पढ़ेगा वो पास हो जाएगा। ना सीए वालों की किसी से दुश्मनी है, ना कोई और मामला है, उनको तो पता भी नहीं होता किसका पेपर कौन चेक कर रहा है। तो वन लाइनर ये है, जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं पास होगा। हमारे अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं ना वो गलती करते क्या है कि जिस तरह से उन्होंने मैट्रिक और इंटर में ये किया होता है ना कि आखिरी महीने 2 महीने में पढ़ देते हैं और उसके बाद 600-700 नंबर भी आ जाते हैं, तो यही जब वो ट्रेंड सीए में करते हैं ना तो ये वो यहाँ पर स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है। यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि क्लासेस के अलावा आपको कम से कम डेली 3 घंटे अगर आप पढ़ें ना, और एग्जाम्स के नज़दीक आखिरी महीने में अगर 5-7 घंटे पढ़ लें तो कोई वजह ही नहीं है, एब्सोल्युटली नो रीज़न दैट यू कैन फेल द एग्जाम। ठीक है जी। तो हमारे यहाँ स्टूडेंट रेगुलर नहीं पढ़ता, पढ़ाई डेफिनेटली मेहनत तलब है। ऐसा तो मैंने हरगिज़ नहीं कहा कि जी ये बहुत आसान है और हंसते खेलते हो जाता है, मेहनत तो करनी है ना मेरे भाई। अगर इतने पैसे कोई आपको देगा तो आपने मेहनत की होगी तो ही आपको देगा ना। तो आमतौर पर ये देखा गया जो क्लासेस बकायदगी के साथ लेते हैं और जो डेली 3 घंटे पढ़ते हैं और एग्जाम्स नज़दीक आने पर इसको 1.5 गुना या डबल कर देते हैं, उनको फेल होते मैंने तो कम अज़ कम नहीं कभी देखा या सुना। ये इसके बारे में हो गया।
پھر میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میڈیکل ہو گیا، انجینئرنگ ہو گیا، لمس ہو گیا، یا ایسی جو اور ادارے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لیتے ہی ان لوگوں کے جن کے 1000 نمبر آئے ہوتے ہیں، جبکہ سی اے پروفیشن میں کیا ہوتا ہے کہ جو انٹری ہے وہ 550 نمبر بھی جس کے ہوں انٹرمیڈیٹ میں، وہ سی اے میں داخلہ لے سکتا ہے، اور اے لیول میں جس کے 2 سبجیکٹس پاس ہوئے ہوں، صرف 2 سبجیکٹس، وہ بھی داخلہ لے سکتا ہے، اور انٹرمیڈیٹ میں جس کے 550 نمبر ہوں وہ بھی داخلہ لے سکتا ہے۔ اچھا، اب 550 والا اگر اپنی یہ روش توڑ دے کہ پہلے وہ ڈیلی اگر نہیں پڑھتا تھا تبھی آئے ہوں گے نا، سیدھی سی بات ہے، آپ ڈیلی ریگولرلی پڑھتے ہو تو 550 نمبر نہیں آ سکتے۔ اگر وہ اب بھی محنت کی طرف آ جائے اور ریگولر اسٹڈی شروع کر دے تو وہ اب بھی پاس ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ 550 والے اکثر ہمارے جو دوست ہیں وہ ریگولر اسٹڈی نہیں کرتے ہیں، اور جو لوزر شخص ہوتا ہے نا، ہارا ہوا شخص، وہ وہی ہوتا ہے جب وہ کسی اپنی ناکامی کا جو ملبہ ہے نا، سب سے آسان ہوتا ہے کسی کے سر ڈال دینا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ونر ہوتا ہے نا، جو جیتنا چاہتا ہے، جو شخص اگر اس کی غلطی ہوتی ہے وہ کہتا ہاں جی میں نے محنت کم کی تھی، میں فیل ہو گیا، اور جو لوزر ہوتا ہے وہ کہتا نہیں جی سی اے والے تو پاس ہی نہیں کرتے۔ یہ کچھ اس وجہ سے میں یہ ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں الحمدللہ آج تک اپنے 20 سالہ کیریئر میں 13-14 ہزار اسٹوڈنٹس کو کلاس روم میں پڑھا چکا ہوں، تو میرا تو زندگی کا تجربہ یہی کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ریگولر اسٹڈی نہیں کی ہوتی وہ رہ جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مشکل ہے، پاس نہیں ہوتا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ تو یہ سی اے کے کیریئر کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے آپ کو تھوڑی سی گائیڈ لائن دینی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اب اگر آپ لوگوں کو کوئی سوالات ہیں تو آپ بتا دیجئے، میں سوالات کو جواب دینے کے لیے آئی ایم ریڈی اینڈ اویلیبل۔ جی، کوئی سوال ہو کسی؟ جی کوئی ہے؟ جی ٹھیک ہے، any questions from anyone? چلے، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ، جزاک اللہ۔